नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सीमा बोरा। दोस्तों, आज हम आपको खाना खाने के तुरंत बाद किए जाने वाले कुछ लाभकारी अभ्यास बताएंगे। बहुत सी बार ऐसा होता है जब हम अधिक खाना खा लेते हैं तो अधिक खाने के बाद पेट में भारीपन या बेचैनी जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। अगर आप कुछ सिंपल से अभ्यासों को खाना खाने के तुरंत बाद प्रैक्टिस करते हैं तो इन अभ्यासों को करने से हमारे डाइजेशन तो सही रहता है। इसके अलावा जिन लोगों को अधिक खाने के बाद बेचैनी होती है, पेट में भारीपन, ब्लोटिंग की शिकायत है कि समस्या दूर होती है। आइए देखते हैं कि इन अभ्यासों को कैसे प्रैक्टिस किया जाता है। दोस्तों, खाना खाने के तुरंत बाद किए जाने वाले अभ्यासों में सबसे पहला अभ्यास हम करेंगे वज्रासना योग। सबसे पहले आपने ऐसे ही दंडासना की पोजीशन पर ऐसे ही बैठ जाना है। कमर गर्दन आपने अपनी बिल्कुल सीधी रखते हैं और अपने दोनों पैरों को ऐसे घुटनों से ऐसे मोड़ लें। ऐसे पैर के अंगूठे एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं और दोनों हील के बीच में आपने ऐसे कमर गर्दन बिल्कुल सीधी करते हुए ऐसे बैठ जाते हैं और अपने दोनों हाथों को ऐसे वायु मुद्रा बनाकर तर्जनी अंगुली को ऐसे अंगूठे के जड़ में लगाकर वायु मुद्रा बनती है। ऐसे अपने घुटनों के ऊपर ऐसे रख लें और एक आरामदायक अवधि के लिए इस अभ्यास को आप कम से कम 10 से 15 मिनट या फिर जितनी देर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं उतनी देर प्रैक्टिस करें। यह अभ्यास हमारे पेट से जुड़े समस्त विकारों को दूर करने वाला बहुत अच्छा अभ्यास है। इस अभ्यास को आप खाना खाने के तुरंत बाद अपनी दिनचर्या में जरूर शामिल करें। जिन लोगों को पेट में फैट बढ़ने की शिकायत होती है या फिर जो लोग कहते हैं कि हम जो कुछ भी खाते हैं वह पचता नहीं है, पेट में हर वक्त भारीपन की शिकायत रहती है, कि समस्या दूर होती है। ऐसे ही वज्रासना को जब आप एक आरामदायक स्थिति में प्रैक्टिस कर लें तो इसके बाद हम नेक्स्ट अभ्यास इसी में नेक्स्ट अभ्यास करेंगे। आपने ऐसे ही वज्रासना की पोजीशन पर ऐसे बैठ जाते हैं, आपने अपने दोनों कोहनियों को जमीन पर ऐसे रखते हुए ऐसे कोई तकिए को ऐसे अपने कमर के पास ऐसे रख लें और फिर ऐसे आराम से पीछे को लेट जाएं या फिर और दो तकिए रखकर भी इस अभ्यास को एक आरामदायक स्थिति में प्रैक्टिस कीजिए। अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने नाभि केंद्र के पास रखते हुए अपनी दोनों आंखों को सहजता से बंद करते हुए अपना समस्त ध्यान अपने श्वासों पर रखते हुए इस अभ्यास को कीजिए या फिर अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने सिर के ऊपर ऐसे बांध सकते हैं। ऐसे अपने हाथों को इंटरलॉक करके श्वास अंदर भरते हुए ऊपर स्ट्रेचिंग के साथ भी इस अभ्यास को एक आरामदायक स्थिति में कीजिए। और फिर सीधे दोस्तों, खाना खाने के तुरंत बाद किए जाने वाले अभ्यासों में अब हम नेक्स्ट अभ्यास करेंगे कागासना योग। कागासना योग वज्रासन के बाद किए जाने वाला एक ऐसा अभ्यास है जिसे आप खाना खाने के तुरंत बाद या किसी भी समय अपनी दिनचर्या में शामिल कर सकते हैं। सबसे पहले आपने ऐसे अपने ऐसे कागासना की पोजीशन पर ऐसे बैठ जाते हैं, अपने दोनों पैरों के बीच में कम से कम आधे फीट का ऐसे स्पेस रख लें और ऐसे अपने दोनों हाथों को ऐसे घुटनों के पास ऐसे रख लें और ऐसे एक आरामदायक अवधि के लिए इस अभ्यास को आप टीवी देखते वक्त या खाना खाते समय, आटा गूंथते समय, पेपर पढ़ते वक्त किसी भी समय प्रैक्टिस कीजिए। यह अभ्यास हमारे डाइजेशन से जुड़े समस्त विकारों को दूर करने वाला एक बहुत अच्छा अभ्यास है। जिन लोगों के पेट में अत्यधिक गैस बनती है, पेट में भारीपन रहता है, उन लोगों ने इस अभ्यास को जरूर प्रैक्टिस करना चाहिए या फिर अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने घुटनों के पास ऐसे रख लेते हैं और ऐसे अपने घुटनों को ऐसे अपने पेट की तरफ प्रेशर देने की कोशिश करते हुए ऐसे ही कम से कम 5 से 10 मिनट या फिर जितनी देर आप इसे प्रैक्टिस कर सकते हैं प्रैक्टिस कीजिए। और फिर इसके बाद आपने ऐसे अपने दोनों पैरों को ऐसे आपस में मिला लेते हैं।